में 17 मार्च को कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भी उपस्थित थे। बैठक में श्री मिश्रा ने निर्देश दिए कि सभी नल जल योजना के स्रोत निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन के पूर्व किए जाए एवं पर्याप्त आवक क्षमता होने पर योजना का क्रियान्वयन किया जाए। योजना में गांव की सभी बसाहटों को कवर किया जाए, पेयजल पर्याप्त मात्रा में हो यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए, जल मानव मापदंडों के अनुरूप क्वालिटी युक्त प्रदान किया जाए, योजना के अंतर्गत समस्त स्रोतों को दूषित होने से बचाया जाए, डगवेल के निर्माण उपरांत एक बेस बनाकर हरी मेट से उसे ढकना सुनिश्चित करें, किसी भी ग्राम में यदि झीरी अथवा नाले से पेयजल प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित विकास खंड के उपयंत्री के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी, रेट्रोफिटिंग योजनाओं को 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाए एवं नवीन योजनाओं को नियमानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाए, यदि समय सीमा में योजना पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। इस दौरान पीएचई विभाग के सहायक यंत्री एवं उपयंत्री उपस्थित थे। झाबुआ से कमलेश सोनी की रिपोर्ट।